वेलकम बैक माई फ्रेंड्स ऑन उत्तम मोदी ई लर्निंग। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेगी। इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं वो है SA701 कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। भैया जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि अभी पिछले साल इंट्रोड्यूस हुआ था ये, जिसकी वजह से ऑडिट रिपोर्ट का कुछ फॉर्मेट भी चेंज हुआ था। चलिए देखते हैं एप्लीकेबिलिटी किस पर, लिस्टेड कंपनी पर। देखिए की ऑडिट मैटर्स बेसिकली क्या होते हैं कि आपने मान लीजिए ऑडिट करते टाइम कुछ मैटर्स मैनेजमेंट से डिस्कस किए, मैनेजमेंट से डिस्कस करने के बाद में कुछ मैटर्स आप TCWG से डिस्कस करते हैं। अब क्या है, जो मैटर्स आपने TCWG से डिस्कस किए हैं उसमें से भी आप कुछ मेन मैटर्स निकालेंगे जो कि हो सकता है इन्वेस्टर्स को आपकी नज़र में, ऑडिटर की नज़र में लगता है, ऑडिटर की जजमेंट में लगता है कि वो मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं और इन्वेस्टर्स को इफेक्ट कर सकते हैं। कौन से मैटर्स? जो मैटर्स TCWG से ऑलरेडी डिस्कस किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 8 मैटर्स आपने TCWG से डिस्कस किए, उसमें से भी 4 मैटर ऐसे हैं जो आपको लगता है भैया आपको बताने चाहिए इन्वेस्टर्स को, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं आपकी जजमेंट पे। ठीक है, तो मीनिंग क्या है, दोज मैटर्स दैट इन द ऑडिटर्स जजमेंट वेयर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड। ठीक है, समझ आ गया होगा। दीज आर सेलेक्टेड फ्रॉम मैटर्स कम्युनिकेटेड फ्रॉम TCWG। ये सारा मैं आपको अभी बता चुका हूँ। पर्पज क्या है इसका? पर्पज यही है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है हमने यूजर्स को। ठीक है, एंड यूजर को अंडरस्टैंडिंग हो बिजनेस की ज़्यादा से ज़्यादा, ये बताना है, और हमारे कम्युनिकेशन की वैल्यू बढ़े, हम लोग सीधा जो यूजर्स हैं उनसे कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सकें। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है और एक बेसिस देना है आगे आने वाले काम के लिए। हम लोग एंड यूजर्स को बताते हैं कि भैया ये काम कहीं ना कहीं फर्दर फ्यूचर के लिए ये चीज़ें रेलेवेंट है। ठीक है, तो पर्पज क्या है, एनहांस द कम्युनिकेटिव वैल्यू। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी हो भैया, ऑडिटर्स की रिपोर्ट को वैल्यू बढ़ जाए, ऑडिटर की रिपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी। कहीं ना कहीं कुछ मैटर्स जो हम उनको बोलेंगे भैया ये की मैटर्स हैं, देखिए आप, तो जो बंदा नहीं भी पढ़ता होगा वो भी ऑडिटर की रिपोर्ट को कहीं ना कहीं पढ़ेगा। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है एंड यूजर्स को जिससे कि समझ आ सके उनको भी कि क्या काम चल रहा है उनकी कंपनी में। एंड यूजर्स को टू असिस्ट एंड यूजर अंडरस्टैंडिंग के लिए सिग्निफिकेंट मैटर बता दीजिए, टू प्रोवाइड ए बेसिस ऑफ फ्यूचर एंगेज। फ्यूचर में अगर मान लीजिए कुछ ऐसे काम जो होने वाले हैं या रेलेवेंट लगता है आपको तो वो रिपोर्ट कीजिए। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो गोइंग कंसर्न है 570 ऐसे जो है, ठीक है, वो हालांकि रेलेवेंट मैटर है तो आप 570 के अकॉर्डिंग तो रिपोर्ट करेंगे ही करेंगे, और यहाँ पर भी आप लोगों को वो रिपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसे कुछ मैटर्स होते हैं जो अलग दूसरे एसेज में भी कवर है तो आप वहाँ तो कवर कीजिए ही कीजिए, और यहाँ पर भी रिपोर्टिंग में भी आप कवर कीजिए। कंसिडरेशन फॉर डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर्स, की ऑडिट मैटर आर सेलेक्टेड फ्रॉम मैटर्स कम्युनिकेटिंग TCWG एरियाज ऑफ हायर रिस्क मेटेरियलिटी मिस स्टेटमेंट। जहाँ पर मेटेरियल मिस स्टेटमेंट का चांस ज़्यादा है वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके की ऑडिट मैटर्स में रहेगी। सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स जजमेंट, आपकी जजमेंट लगानी है, यहाँ पर आपको बोला गया है, ऑडिटर को बोला गया है जो आपको लगता है वो की मैटर्स है, सीधी सी बात। इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजेक्शन, देखिए जो जजमेंट से आप लोग जो ट्रांजेक्शन को सेलेक्ट कर रहे हैं उनका इफेक्ट्स क्या होगा, एक्चुअल में वो की मैटर्स हैं का बात बताने लायक है या नहीं है। अब आपने कुछ मैटर सेलेक्ट किए, लेकिन भैया बैंक, मान लीजिए बैंक की ऑडिट है आपके पास, आपने कुछ मैटर सेलेक्ट किए, आपने कहा भैया रिपोर्ट करना है, या NBFC की ऑडिट है आपने कहा रिपोर्ट करना है, लेकिन NBFC या बैंक जो आपका क्लाइंट जो है वो कहता है अरे भैया ऐसे कैसे रिपोर्ट कर दोगे, इससे तो हमारा जो कंपिटिटर है उसको फ़ायदा पहुँच जाएगा। ठीक है, या फिर आप रिपोर्ट करोगे लेकिन रिपोर्ट करने के बाद में ये हम एंटिटी को ही लॉस पहुँचा देगा कहीं ना कहीं, तो इस जगह पर आप धर्म संकट में। तो यहाँ पर ऐसे ने बता दिया भैया आपको रिपोर्ट नहीं करना है, कहाँ का रिपोर्ट नहीं करना है, लॉ एंड रेगुलेशन जाके दे वहाँ रिपोर्ट नहीं करना है। मान लीजिए एक अभी चल रहा है मोदी जी वाला, वो रफेल डील वाला, कांग्रेस कहती है रफेल डील का प्राइस इतना हायर क्यों था बताओ। ठीक है, मोदी जी नहीं बता रहे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये बताना हमारी देश की रक्षा नीति के खिलाफ है। ठीक है, हो सकता है हमारे डिफेंस को कुछ इससे लॉस हो, भैया हमारे अंदर की बातें कहीं ना कहीं बाहर पब्लिक हो जाएगी तो लॉस ही होगा ना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एडवर्स उसका कॉन्सिक्वेंसेज हो सकता है, इस वजह से आप लोग नहीं बता रहे। ठीक है, इट विल नॉट बी अप्लाइड इफ़ एंटिटी हैज पब्लिक डिस्क्लोजर।
अगर एंटिटी नहीं वो चीज़ें अखबार के अंदर प्रिंट करके छाप दी लो भैया, तो आप क्या अलग से बताओगे आप उस चीज़ को, ठीक है? तो उस चीज़ में रिलेवेंट आपको नहीं बताना। तीन चीज़ें, मैनर टू रिपोर्टिंग, क्या रिपोर्ट करेंगे, यूज सेपरेट सेक्शन टाइटल एज की ऑडिट मैटर, रिपोर्ट के अंदर, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर अलग से सेक्शन होगा इसका, जिसका नाम होगा की ऑडिट मैटर्स। यूज इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज, इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज यानी कि की ऑडिट मैटर्स जब आप सेक्शन लिख दिया उसके अंदर अब आपने ये पैराग्राफ जो है, ये पैराग्राफ रट लीजिए, पोज कर लीजिए और देख लीजिए, ये इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज लिखनी है, बताना है कि की ऑडिट मैटर क्या है, कि ऑडिटर की जजमेंट के अंदर जो आते हैं, ठीक है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है के अंदर जो है ये हमें लगा, ऑडिटर के जजमेंट में लगा कि भैया ये आपको बताना चाहिए, लेकिन हम लोग इसके बेस पर कोई अलग से ओपिनियन फ्रेम नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ आपने बतानी है। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच की ऑडिट मैटर सेल फॉलोड द इंट्रोडक्शन, आपने अगर मान लीजिए चार की ऑडिट मैटर्स आइडेंटिफाई किया तो चारों के लिए ये इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन ऑफ की ऑडिट मैटर सेल एड्रेस द रीजन वाई द मैटर इज की ऑडिट मैटर, बताना पड़ेगा आपको क्यों लगा कि ये मैटर जो है की ऑडिट मैटर है, ठीक है। आगे कहता है की ऑडिट मैटर इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन, आप अगर मान लीजिए मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं ऐसे 705 के अंदर, तो ऐसा नहीं आपने बता दिया, आप कहते हैं कि भैया ओपिनियन में मैंने लिख दिया तो की और क्या मैटर दूं, आप बेसिस ऑफ ओपिनियन में देंगे ना, तो आपने वहाँ लिख दिया, फिर कहते हैं कि भैया फिर की ऑडिट मैटर क्या बताऊं, क्योंकि मैंने आपने वहाँ तो बता ही दिया है, नहीं ऐसा नहीं, आप वहाँ भी बताइए यहाँ भी बताइए, अगर आपके दिमाग में चल लगता है कि वो मैटर रेलेवेंस है। और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर ऐसे 570 570 गोइंग कंसर्न के अंदर मान लीजिए आपने लगता है कि गोइंग कंसर्न हिट हो रही है, तो आप वहाँ रिपोर्टिंग जो रिक्वायरमेंट है वहाँ तो बताइए ही बताइए, यहाँ भी आप बताइए, ठीक है, यानी कि आपको ये पैरा तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। ऑडिटर्स शैल रिपोर्ट मॉडिफाई या गोइंग कंसर्न इन अकॉर्डेंस विथ एप्लीकेबल ऐसे, एप्लीकेबल ऐसे के अकॉर्डिंग आपको इन दोनों को रिपोर्ट करना है, एंड इंक्लूड ए रेफरेंस टू बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं तो अगर मॉडिफाइड ओपिनियन दिया, ठीक है, मॉडिफाइड रिपोर्ट है तो क्या उसका बेसिस है, वो आप लोग बेसिस ऑफ ओपिनियन में बताते हैं, और द मटेरियल असर्टेनिंग रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, ये सब आप उसमें बता दीजिए, ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इनके बारे में अगर मान लीजिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी है, आपने बेसिस ऑफ ओपिनियन में तो मॉडिफाइड इन्फॉर्मेशन मॉडिफाइड रिपोर्ट में बता दिया, लेकिन अब यहाँ की ऑडिट मैटर में भी आपको बताना है, तो आप वो बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो था वो यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। आपका ऐसे 701 कम्प्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उत्तम मोदी लर्निंग को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू, बाय बाय।